वेलकम टू वायनाड, अ डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ केरला, जो फेमस है अपने नेचुरल ब्यूटी, वाइल्ड लाइफ, स्पाइस एंड टी प्लांटेशंस के लिए, और साथ ही यहाँ के जो प्री हिस्टोरिक केव्स हैं, वाटरफॉल्स हैं एंड जंगल सफारी इसको और यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। सो वेलकम बैक टू द चैनल, एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन वायनाड एंड ऑल्सो हाउ यू कैन प्लान टू विजिट दीज प्लेसेस। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वायनाड के मेजर टूरिस्ट प्लेसेस आप तीन सेक्शंस में कवर कर सकते हैं। पहला है टुवर्ड्स बाणासुरा सागर डैम, दूसरा है टुवर्ड्स पुकुर लेक, और तीसरा है टुवर्ड्स सूचीपारा वाटरफॉल्स। वायनाड पहुंचने के बाद आप देवन की शुरुआत कर सकते हैं वायनाड के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन बाणासुरा सागर डैम्स। ये कलपेट्टा से लगभग 21 किलोमीटर दूर है और ये माना जाता है इंडिया का लार्जेस्ट अर्दन डैम है, और ये अपने तरीके का सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे एशिया में। यहाँ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, पानी के बीचों बीच आप देखेंगे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और इसकी खूबसूरती और बढ़ाते हैं इसके बैकड्रॉप में जो पहाड़ है। यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, स्पीड बोटिंग कर सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं, पैडल बोटिंग कर सकते हैं, इवन जिप लाइनिंग भी है यहाँ पे, और बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटीज़ लिस्ट है यहाँ पे, एक बार आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। अदर प्लेस नियर बाणासुरा सागर डैम इज कलार्ड लेक, सो यू कैन ऑल्सो विजिट देयर। मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन वायनाड इज पुकुर लेक। कलपेट्टा से लगभग 13 किलोमीटर दूर है एंड ये केरला के सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, जो चारों तरफ से घने जंगलों में घिरा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत सा है एंड यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करेंगे। इसके चारों तरफ पेडेस्ट्रियन है, तो आप चाहें तो यहाँ पे नेचर वॉक ले सकते हैं या साइकिलिंग कर सकते हैं, एंड यकीन मानिए यहाँ पे आके आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुकुर लेक से लगभग 4 किलोमीटर दूर है नेक्स्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो है लकड़ी व्यू पॉइंट, जिसे गेटवे ऑफ वायनाड भी कहा जाता है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं यहाँ का खूबसूरत व्यू एंजॉय करने के लिए। यहाँ से दिखता है लश ग्रीन वैलीज, हेरपिन बेंड्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, उसके ऊपर बादल एंड ऑसम वेदर। तो जब आप वायनाड आए तो यहाँ आना ना भूलें। डे वन की एंडिंग आप मडी बूट्स जिपलाइन से कर सकते हैं। लकड़ी व्यू पॉइंट से लौटते टाइम लगभग 11 किलोमीटर दूर है वायनाड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जिपलाइन मडी बूट्स जिपलाइन। चाय के बगानों की खूबसूरती के साथ जिपलाइन करने में अपना अलग ही मजा है। तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं दो बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो तुम प्रो। डे टू और सेक्शन थ्री की शुरुआत करते हैं सूचीपारा वाटरफॉल से। ये वायनाड का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और कलपेट्टा से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक की डाउनहिल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। ट्रैकिंग का रास्ता काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है और ट्रैकिंग करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सूचीपारा वाटरफॉल्स की ऊंचाई लगभग 200 मीटर की है एंड यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक पॉन्ड है छोटा सा वाटरफॉल से जो बनता है, एंड वहाँ पे लोग काफ़ी सारे इंजॉय कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग पिकनिक भी बनाते हैं। तो मस्ट विजिटेड प्लेस इफ यू आर इन वायनाड। नेक्स्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है 900 कंदी, जो आजकल बहुत फेमस है अपने ग्लास ब्रिज और स्काई स्विम के लिए। यहाँ जाने के लिए आपको कुछ किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 4x4 जीप लेना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं साउथ इंडिया के फर्स्ट क्लास ब्रिज पे, जो ज़मीन से लगभग 100 फीट की ऊंचाई पे है, और यहाँ से आपको दिखता है 360 डिग्री व्यू पूरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से।
ग्लास ब्रिज के अलावा यहाँ का स्काई स्विंग भी काफी फेमस है। कंदी से कुछ 16 किलोमीटर दूर है हमारा नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंथनपारा वाटरफॉल्स। ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको कुछ दूर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अभी पानी में जाना अलाउड नहीं है, मानसून चल रहा है तो पानी का फ्लो फुल कैपेसिटी में है, बट यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। अब चलते हैं डे टू के लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि कंधनपारा वाटरफॉल से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। यह है काराफूजा डैम। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स इन वायनाड इज काराफूजा डैम। इनिशियली ये तो बना था इरिगेशन के लिए, बट अभी ये टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीनरी लोकेशन। एंड यहाँ अंदर आपको इतना खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, बहुत खूबसूरत पार्क है, यहाँ पे आप पिकनिक बना सकते हैं, बच्चों के लिए पार्क है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए एंड बड़ों के लिए भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। डैम तक जाना अलाउड नहीं है, बट कुछ दूर का वॉक लेके आप डैम का व्यू देख सकते हैं। बट मैं ले चलती हूँ आपको जिप लाइन के टॉप पे एंड वहाँ से दिखाती हूँ काराफूजा डैम का खूबसूरत नज़ारा। काराफूजा डैम में केरला का लॉन्गेस्ट जिप लाइन है एंड यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा। यहाँ पे टिकट लेके आपको सारा इक्विपमेंट्स पहना देंगे ये, और यहाँ से आप 4x4 जीप जाती है टॉप पे, जिपलाइन के टॉप पे, एंड जब लैंड होगा तो पार्क एरिया में लैंड होगा। सो लेट्स गो। सो आई एम गोइंग टू डू द लॉन्गेस्ट जिप लाइन इन वायनाड और मेरे पीछे है ये काराफूजा डैम। डैम लास्ट टाइम हम लोग आए थे, व्यू वहाँ कहीं जो दिख रहा है वहीं तक देख सकते हैं, लेकिन यहाँ जिप लाइन के पॉइंट से ऊपर से पूरा डैम का व्यू नज़र आ रहा है। और यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट है जिप लाइन का और नीचे जाएंगे जहाँ पे डैम का मेन पार्क एरिया है, वहाँ पे लैंडिंग होगी। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं लॉन्गेस्ट जिप लाइन पाना। डे थर्ड पे आप जा सकते हैं एडिकल केव्स जो कलपट्टा से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। एडिकल केव्स फेमस है अपने मिस्टिक रॉक फॉर्मेशन एंड एंशिएंट ड्राइंग्स और एंग्रेविंग्स के लिए। एडिकल केव्स तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की अपहिल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। रास्ता बहुत ही सुंदर है, ये रास्ता पूरा कॉफ़ी प्लांटेशन से घिरा हुआ है, तो रास्ते में आपको बार बार कॉफ़ी की महक आती रहेगी एंड कुछ दूर फिर आपको सीढ़ियों से भी जाना पड़ेगा। आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये है पहला केव एंड इसके बाद कुछ और सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मिलेगा दूसरा केव। टॉप पॉइंट पे आके आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा और आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। ये है दूसरा केव और ये काफ़ी बड़ा है एंड इसकी दीवारों पे आपको बहुत सारे पेट्रोग्लिफ्स मिलेंगे एंड दीज पेट्रोग्लिफ्स आर सम ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन राइटिंग एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज कुर्बा द्वीप। इट्स अ ब्यूटिफुल लिटिल आइलैंड इन रिवर काबिनी इन वायनाड। It is the only island in India that is surrounded by fresh water. कुर्बा द्वीप famous है अपने scenic beauty के लिए। यहाँ पे लोग आते हैं nature walk के लिए, picnic मनाने के लिए, even यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे island हैं, तो आप एक island से दूसरे island either by boating और by bamboo rafting जा सकते हैं, जिसे लोग बहुत enjoy करते हैं। ये थे मेरे top 10 places in Wayanad और you can say a weekend itinerary जो 2 से 3 दिन का हो सकता है इन वायनाड। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप जा सकते हैं ट्रैकिंग पे टू चेम्बरा पीक, जहाँ पे आपको मिलेगा हार्ट शेप लेक।
इसके अलावा आप कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी इन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा अगर आपको लगता है इस लिस्ट में और कोई टूरिस्ट प्लेस ऐड करना था तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।